In yesterday's lecture, we had discussed about what are the different methods for the preparation of liposomes. ठीक है ना? Initially, we have discussed that what are liposomes, what are their advantages and what are their disadvantages. और कल के लेक्चर में हम लोगों ने उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट किया था. और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ाने से पहले आई हैड ऑल्सो डिस्कस की वॉट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग अ लिपोजोम और वेन यू आर सिलेक्टिंग द राइट मेथड दैट यू वॉन्ट टू ऑप्ट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर लिपोजोम. तो उसमें जो मैंने आपको चीजें बोली थी वो था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक टेक इट इन कंसिडरेशन कि वॉट इज द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड दैट यू आर यूजिंग. Then the second thing is what is the nature of drug that you are using, whether it is a lipophilic drug or a hydrophilic drug. ये आपको देखना होगा. Then the thing is कि जो भी method आप opt करोगे उसके लिए you have to even select suitable equipment and suitable apparatus too. And try to use the apparatus which are covered because we want to what you can say avoid the exposure of lipids to the air because lipids can undergo ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन. तो लिपोसोम्स बनाने के टाइम पे लिपोसोम्स को स्टोर करने के टाइम पे भी जो ग्लासवेयर्स यूज करे जाते हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो कवर्ड हो. ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर योर लिपोसोम्स. तो उसमें जो सबसे पहला मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम दैट इज बाय फिल्म हाइड्रेशन टेक्निक और बाय फिल्म हाइड्रेशन टेक्निक. इट कैन बी बाय हैंड शेकिंग मेथड और नॉन हैंड शेकिंग मेथड. ठीक, तो इस मेथड में एक्चुअली करना क्या है. अब देखो आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना स्क्रीन जिसमें राउंड बॉटम फ्लास्क बना हुआ है. ठीक है. yes, देखो अपना कॉपी पेन अपने पास रखना. जरा सा एक चीज समझना, कल मैंने हालांकि डिस्कस किया था इस चीज को भी. देखो जब आप इस मतलब क्या बोल सकते हैं शेकिंग मेथड से जब आप अपने लिपोसोम्स बनाओगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किन किन चीजों के रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट होगी आपको लिपिड्स की, कोलेस्ट्रॉल की, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो हम एक बफर के तरीके से, फ्लूडिटी बफर के तरीके से यहाँ ऐड करते हैं. फिर लिपिड्स को किसमें डिजोल्व किया जाएगा, क्या लिपिड्स वाटर में डिजोल्व होंगे? आंसर बताओ यस और नो. लिपिड्स को वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं? नो मैम. किसमें डिजोल्व करेंगे मैम? ऑयल में. ऑयल्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. ठीक है. यस मैम. तो हमें क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चाहिए है और क्योंकि हाइड्रेशन मेथड है तो नाम से ही क्लियर है हमें वाटर तो चाहिए ही, मतलब एक्वा स्पेस चाहिए. ठीक है ना, ये तो हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. अब आप फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप में आप लिपिड्स को डिसॉल्व कर दोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ. ठीक है, लिपिड्स को यू विल डिसॉल्व विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड यू विल प्लेस इट इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के मुंह को कोर्क वगैरह से कवर कर दोगे, बंद कर दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टू शेक इट. नाउ शेकिंग कैन बी डन बाय टू मेथड्स, यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द मेथड. वन इज हैंड शेकिंग मेथड. हैंड शेकिंग मेथड का मतलब क्या, राउंड बॉटम फ्लास्क को हाथ में लेके आप उसको रोटेट करिए. ठीक है, और दूसरा होता है बाय यूजिंग रोटा इवेपोरेटर्स. रोटा इवेपोरेटर्स के केस में क्या होता है, आप इस राउंड बॉटम फ्लास्क को रोटा इवेपोरेटर के साथ जाके अटैच कर दोगे, उसकी मोटर को ऑन करोगे तो ये जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है ये रोटेट होने लग जाएगा. और रोटा इवेपोरेटर्स को यूज करने का एक और बेनिफिट होता है कि वी कैन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑल्सो. व्हाई आई एम सेइंग वी वांट टू कंट्रोल द टेम्परेचर या व्हाई वी वांट टू हीट इट, एक्चुअली द रीजन इज कि यहाँ पे जो हमने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिमूव कर देना है और केवल हमें क्या चाहिए है, लिपिड की लेयर चाहिए है जो कि राउंड बॉटम फ्लास्क के पूरे बेस पे क्या हो जाए, स्टिक हो जाए. ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों स्टेप्स में व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग आवर लिपिड्स रेडी टू सो दैट दे कुड बी हाइड्रेटेड. इन द यस्टरडेज क्लास आई हैव टोल्ड यू ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर योर लिपिड्स फॉर हाइड्रेशन. तो ये वो स्टेप था. ठीक है, हमने रोटरी इवेपोरेटर की मदद से, इवेपोरेटर है ना, तो यहाँ से याद रखना कि किसी चीज को इवेपोरेट करना है और किसको इवेपोरेट करोगे, क्या लिपिड्स इवेपोरेट हो सकते हैं? आंसर इज नो. क्या चीज इवेपोरेट होगी? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा. तो यहाँ पे जो भी आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिया है उसको आपने यहाँ क्या कर दिया है,
इवेपोरेट कर दिया है। इवेपोरेट करने के बाद आप इसको वैक्यूम ड्राई करें, वाई वैक्यूम या वाई इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। फिर इसका आंसर वही है कि अगर हम इसको नॉर्मल एयर में ड्राई करते हैं, तो नॉर्मल अगर आप इसको ओपन एयर में ड्राई करने की कोशिश करोगे तो क्या दिक्कत है भाई, नाइट्रोजन क्यों यूज किया, वैक्यूम क्यों यूज कर रहे हैं जबरदस्ती, व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट। लेकिन द आंसर इज कि हम इसे नॉर्मल एयर में ड्राई नहीं कर सकते, बिकॉज एयर में तो ऑक्सीजन होती है, एट नॉर्मल एटमोसफेयर में तो ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन आपके लिपिड्स को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए यहाँ पे स्टेप आया कि हमने क्या किया, वैक्यूम ड्राइंग की, और वैक्यूम ड्राई करने के बाद हमें एक पतली सी लेयर ऑफ लिपिड मिल गई। नाउ इन तीनों स्टेप्स में हमने अपने लिपिड को रेडी कर लिया है कि नाउ यू कैन प्रोसीड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लिपोसोम्स। नाउ व्हाट यू विल डू इज यू विल ऐड एक्वस फेज इनटू इट। आपने यहाँ पे क्या डाला, पानी डाला, एक्वस फेज डाला, और एक्वस फेज डालने के बाद फिर से इसको हल्का हल्का रोटेट किया, और रोटेट करने के टाइम पे अभी ये रोटा इवेपोरेटर के साथ ही जुड़ा है, ठीक है, और या आप इसको हैंड शेकिंग से भी कर सकते हो। रोटेट करने के टाइम पे आपको इसका टेम्परेचर अबव फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रखना है। क्यों अबव फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर रखना है, बिकॉज फेज ट्रांजिशन के ऊपर ही प्लेनर ज्योमेट्री वेसिकल्स में कन्वर्ट होगी, है ना। याद करो उस दिन मैंने एक इमेज भी दिखाई थी कि एक प्लेन, एक शीट होती है और वो फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर ही किस ज्योमेट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेसिकल्स में। तो जो आपका लिपिड्स यहाँ ड्राई हो गए थे, जब आपने उनमें पानी डाल के उसको थोड़ा सा रोटेट किया और उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है, जो उसका टेम्परेचर है एक्सपेरिमेंट का अपने, जो जब आप कर रहे हो उस टाइम पे आपने टेम्परेचर अबव फेज ट्रांजिशन रखा, तो जो प्लेनर ज्योमेट्री है वो किसमें कन्वर्ट हो गई, वेसिकल्स में कन्वर्ट हो गई, और आपके क्या बन गए, लिपोसोम्स बन गए। नाउ यू कैन स्टोर दीज लिपोसोम्स इन इनर्ट एटमोसफियर, इनर्ट मीन्स इन नाइट्रोजन, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, एंड द टेम्परेचर एट विच यू हैव टू स्टोर लिपोसोम इज नियर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपके यहाँ पे क्या बन गए, लिपोसोम्स बन गए। समझ में आया? तो क्या है, पहले आपको लिपिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व करना है, फिर उसको रोटेट करना है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट कराना है, आपको ड्राइड लिपिड की फिल्म मिल जाएगी, उसको आपको हाइड्रेट करना है, और टेम्परेचर, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना रखोगे, अबव फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ पे वो टेम्परेचर होता जो क्लोरोफॉर्म या इथेनॉल को उड़ाने के लिए था, यहाँ पे वो टेम्परेचर है जो फॉस्फोलिपिड का फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर है। फिर आपके क्या बन गए, लिपोसोम्स बन गए। लिपोसोम्स बन गए तो आप इनको स्टोर कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट थिंग जो वाइवा में पूछी जा सकती है कि इस मेथड में अगर आप, अगर सपोज आपको कोई लिपिड ड्रग डालनी है, लिपोइडल ड्रग है, तो वो किस स्टेप में डल जाएगी, उसका आंसर है फर्स्ट स्टेप। जब आप लिपिड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घोल रहे हो तो इसी टाइम पे लिपोइडल ड्रग डाल दो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग है तो किस स्टेप पे डलेगी, उसका आंसर है इस स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे, व्हेन यू आर एडिंग एक्वस फेज। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप पैसिव लोडिंग में जा रहे हैं, पैसिव लोडिंग का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ड्रग ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो लिपिड ड्रग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व कर दिया करिए, और अपनी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो है वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए, एक्वस फेज में। और जब ये दोनों मिक्स होंगे, इनका अपना फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर जो भी ज्योमेट्रिकल चेंजेस हैं वो होंगे, तो आपके लिपोसोम्स बन जाएंगे, जिसके अंदर जो ड्रग आप रिक्वायर है वो क्या हो जाएगी, इंट्रैप हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर फिल्म हाइड्रेशन टेक्निक, क्लियर हुई। नेक्स्ट इज योर सोनिकेशन मेथड। देखो जो आपका बेटा सोनिकेशन मेथड है ना, सोनिकेशन मेथड, अगर ये बोला जाए कि क्या ये ऐसा मेथड है जिससे हमें लिपोसोम्स मिलते हैं, तो उसका आंसर कहीं ना कहीं नो होगा। लिपोसोम्स इस मेथड से बनते नहीं हैं, इस मेथड से बड़े साइज के लिपोसोम्स को छोटे साइज के लिपोसोम्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास मल्टी लेमुलर वेसिकल्स हैं, मल्टी लेमुलर समझ गए ना, जिसमें खूब सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, जो फर्स्ट डे के लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था जब लिपोसोम स्टार्ट किया था, तो अगर हमारे पास ऐसे मल्टी लेमुलर वेसिकल्स हैं और हम उसको स्मॉल यूनि लेमुलर वेसिकल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, सोनिकेशन। तो बेसिकली अगर तुमसे पूछा जाए कि सोनिकेशन मेथड का व्हाट इज द मेन एप्लीकेशन, तो सोनिकेशन मेथड का मतलब यही है, पार्टिकल साइज रिडक्शन या वेसिकल साइज रिडक्शन।
वेसिकल के साइज को क्या करने के लिए हम यूज करते हैं, सोनिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो सोनिकेटर्स दो तरीके के हो सकते हैं, वन इज प्रोब सोनिकेटर, अदर वन इज बाथ सोनिकेटर। सोनिकेटर्स एक्चुअली अल्ट्रा सोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और उनकी वजह से जो है आपके पार्टिकल्स में एक तरीके से अट्रीशन होता है, पार्टिकल्स छोटे हो जाते हैं। वी हैव बाथ सोनिकेटर इन आर लैब, सो व्हेनेवर यू कम टू द डिपार्टमेंट यू कैन सी इट, यू कैन परफॉर्म इवन प्रैक्टिकल्स ऑन इट, ठीक है ना। तो होता कुछ नहीं है इसमें, आप बस अपना जो भी आपका सैंपल है जिसमें लार्ज यूरिन एमिलर वेसिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे आपने फर्स्ट मेथड से बना लिए, अब आपको लगा कि जो हमने हाइड्रेशन मेथड से वेसिकल बनाए वो बड़े साइज के, मुझे इसको छोटा करना है, तो आप उसको सोनिकेट कर दो, सोनिकेटर में डाल दो, उसको ऑन करो, 5 से 10 मिनट उसको सोनिकेट करो, फिर उसको सेंट्रीफ्यूज कर लो। तो सेंट्रीफ्यूज करने से क्या होगा, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो रिक्वायर्ड साइज के छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन डेंसिटी। तो जो हेवियर पार्टिकल होगा वो नीचे सेटल हो जाएगा, लाइटर पार्टिकल ऊपर आ जाएगा। तो आप अपने लाइटर पार्टिकल्स को यहाँ से क्या कर सकते हो, यू कैन सेपरेट इट आउट योर लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम द व्हाट यू कैन से लार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना। जैसे ये आपके ग्लास ट्यूब में दिख भी रहा होगा कि नीचे जो है स्मॉल मल्टी लैमिलर वेसिकल्स हैं और ऊपर क्या है स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल्स हैं। आप उसको डिकैंट ऑफ कर सकते हैं, ग्लास ट्यूब को ऐसे पलटेंगे तो पहले जो निकलेंगे पार्टिकल्स वो स्मॉल वाले होंगे और लार्ज वाले पीछे रह जाएंगे। तो बेसिकली सोनिकेशन मेथड इज यूज फॉर द रिडक्शन ऑफ वेसिकल साइज ऑफ लिपोसोम्स, ठीक। देखो ये सोनिकेटर्स की इमेजेस हैं, दिस इज अ प्रोब सोनिकेटर एंड दिस इज अ बाथ सोनिकेटर, एंड सी अगेन यू विल फाइंड इनर्ट एटमोसफियर, नाइट्रोजन इनर्ट एटमोसफियर, बिकॉज वी कैनॉट अलाउ ऑक्सीजन टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द लिपोसोम्स, ठीक है ना। इसका आंसर फिर बार बार बोल रही हूँ, लिपोसोम्स लिपोइडल होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए हमेशा एटमोसफियर को आपको इनर्ट रखना है। नेक्स्ट इज योर मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। बेटा मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में क्या होता है, ये मेथड भी पहले से बने हुए बड़े लिपोसोम्स के साइज को रिड्यूस करने के लिए होता है, ठीक है। हम जो है अगर हम अपने लिपोसोम का साइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो या तो हम सोनिकेशन मेथड पे चले जाएं या हम दूसरा मेथड क्या यूज कर सकते हैं, मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड। मतलब हमने पहले हाइड्रेशन टेक्निक से अपने लिपोसोम्स बनाए, अब हम चाहते हैं कि वी वांट टू रिड्यूस देयर पार्टिकल साइज, तो ये भी एक मेथड है। देखो इस मेथड में क्या है, एक ऐसे एपरेटस समझना जैसे ये तुम्हारा एक ग्लास का कंटेनर है और इस कंटेनर में बीच में यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, छन्नी, एंड दिस मेम्ब्रेन इज पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन फिल्टर। किस चीज की लगेगी, पॉलीकार्बोनेट की लगेगी, और इसका पोर साइज कितना होगा, 0.2 to 1 micrometer, ठीक है। इस पोर साइज की आपने पॉलीकार्बोनेट की मेम्ब्रेन यहाँ लगा दी, इनलेट से आपने बड़े साइज के लिपोसोम्स को यहाँ एंटर किया। देखो क्या होता है, जैसे छन्नी पे क्या होगा, आप मैंने कल ये बोला भी था एग्जांपल, आप लोगों ने बोला आवाज चली गई है, मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ कि जब जैसे आप लोग ये विट ग्रैनुलेशन मेथड से जब आप टैबलेट्स बनाते हो, ग्रैन्यूल्स बनाते हो, सबसे पहले तो क्या करते थे, आटा टाइप गूंदते थे, यू नीड अ डो, और फिर उस डो को छन्नी के ऊपर रख के उसको ऐसे प्रेस करते थे, तो वो बड़ा डो छोटे 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 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। या जैसे घर में जब बूंदी बनाते हैं तो क्या होता है, जब वो चीज छन्नी से क्रॉस होती है तो उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है ना। तो बस वही चीज है कि आपने यहाँ पे क्या किया, मेम्ब्रेन से लिपोसोम्स को प्रेस करके निकाला, तो बड़े जो पार्टिकल्स हैं वो जैसे जैसे मेम्ब्रेन से पास होते जाएंगे उनका पार्टिकल साइज कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू द पोर साइज ऑफ योर मेम्ब्रेन, उस छन्नी के पोर साइज के बराबर या उससे छोटे पार्टिकल्स ही निकल के कहाँ आएंगे, बाहर आएंगे। तो देखो इमेज में ये समझ में भी आ रहा है कि ये पार्टिकल्स जो है ये बड़े हैं और ये जो मेम्ब्रेन से जो फिल्टर आउट होके जो आपके पास पार्टिकल्स आए हैं, दीज आर ऑफ स्मॉलर साइज, एंड फ्रॉम द आउटलेट यू कैन रिमूव आउट योर लिपोसोम्स विच आर ऑफ डिजायर्ड साइज रेंज। चीज क्लियर हुई है कि यहाँ पे अपनी पॉलीकार्बोनेट की मेम्ब्रेन लगा देंगे और पार्टिकल साइज को हम क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा भी है कि पार्टिकल साइज इज रिड्यूस बिफोर एक्सट्रूजन, लार्ज मल्टीलैमिलर वेसिकल्स होते हैं और उसके बाद जब हम इसको एक्सट्रूड आउट कर लेते हैं तो हमें स्मॉल वेसिकल्स मिलेंगे,
नो, सेम इज द माइक्रो फ्लूडाइजर मेथड. देखो माइक्रो फ्लूडाइजर मेथड का मतलब भी है कि हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे भी क्या करना चाहते हैं, पार्टिकल साइज को क्या करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं. हमने अपना लार्ज वेसिकल्स ले लिए, मल्टी लेमुलर वेसिकल्स ले लिए, उसको माइक्रो फ्लूडाइजर में डाला. फ्लूडाइजर का मतलब, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट फ्लोस, जो फ्लो करे. ठीक है, अब फ्लो किसकी मदद से आपके लिपोसोम्स फ्लो करेंगे, वो फ्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एयर. अब एयर में यहाँ नाइट्रोजन को, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव्ड एयर होगी, मतलब इनर्ट एटमोसफेयर, हवा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या किया, इन लिपोसोम्स को हवा में तैराने की कोशिश की. ठीक है, और तैरते तैरते इनको हमने पास करवाया फिल्टर से, जिसका पोर साइज कितना है, 5 माइक्रोन मीटर. अंतर समझना, इससे पहले वाले मेम्ब्रेन एक्सट्रूजन मेथड में 0.2 to 1 माइक्रोन मीटर था, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स बनते, यहाँ उससे थोड़े बड़े बनेंगे. तो यहाँ से आपकी जो लिपोसोम्स की, जो एक तरीके से क्या कह सकते हैं, क्या बोलेंगे, लेयर है विच इज फ्लोइंग इन एयर, वो अब इधर आएगी आपके इंटरैक्शन चैम्बर में. यहाँ से छन के यहाँ आएगी कहाँ, इंटरैक्शन चैम्बर में. ये एक मशीन के अंदर ये काम हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें केवल अपने बनाए हुए लिपोसोम्स को यहाँ इंसर्ट करना है. ठीक है, लेकिन मशीन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ इंटरैक्शन चैम्बर के अंदर आके, इंटरैक्शन चैम्बर में जो आपके लिपोसोम्स की दो लेयर्स हैं, मान लीजिए आपके लिपोसोम्स जो हैं, जैसे पानी की लेयर्स होती है ना, ऐसे यहाँ पे लिपोसोम्स हैं जो किसमें तैर रहे हैं, हवा में तैर रहे हैं. तो ये अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, फ्लूइडाइजर में क्या होता है, 90 डिग्री पे एक तरीके से कॉन्टैक्ट होगा, मतलब लिपोसोम की एक लेयर लिपोसोम्स की दूसरी लेयर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे जाके कोलाइड करेगी, कोलिजन करेगी, समझ रहे हो. और जब हेड ऑन कोलिजन होता है, तो सोचो दो बड़ी बॉल्स आपस में आके हेड टू हेड कोलाइड करती हैं, हेड टू हेड 180 हो गए, जब 90 डिग्री पे आके वो कोलाइड करेंगी, तो वो फिजिक्स वाला याद करो, मोमेंटम वो ट्रांसफर वगैरह वाला होता है. तो जब दो, ये खुद ही एक नॉर्मल सी चीज समझो, जब दो बड़े पत्थर भी आपस में टकराते हैं, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सेम वही चीज इस मशीन के अंदर होती है, कि हम लिपोसोम्स को आपस में टकरवाते हैं, मतलब एक तरीके से एक आंधी टाइप की क्रिएट कर देते हैं, और उसमें एक लेयर जो है दूसरी लेयर से 90 डिग्री के एंगल पे आकर टकराएगी, और उनके टकराने की वजह से, इस इम्पैक्ट की वजह से एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं लिपोसोम्स के, या वेसिकल्स जो हैं लिपोसोम्स के, वो छोटे वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड बाय दिस थिंग यू कैन कन्वर्ट लार्ज वेसिकल्स इनटू स्मॉलर वेसिकल्स. दिस इज योर माइक्रो फ्लूडाइजर मेथड. ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात आपको, कि हमने बड़े मल्टी लैमिनर वेसिकल्स लिए, उनको एयर में फ्लो करवाया मशीन के अंदर, मशीन के अंदर बहुत तेजी से हवा चलेगी, और फिर उसके बाद वो वेसिकल्स को एक छन्नी से क्रॉस करवा दिया जाएगा, ताकि बड़े वाले थोड़े छोटे में कन्वर्ट हो जाएं. अब ये थोड़े छोटे वालों की दो लेयर्स को एक दूसरे के साथ बम्बार्ड कराया जाएगा, कितने एंगल पे, 90 डिग्री के एंगल पे, ताकि ये और फर्दर पार्टिकल साइज इनका क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. एंड फाइनली जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट वुड बी स्मॉल वेसिकल्स. ओके, now next is French pressure cell. See, French pressure cell is also something like this only. इसमें भी क्या है कि बड़े ओरिफाइस से छोटे ओरिफाइस में पास करेंगे, ठीक है, और इसमें भी क्या होगा, पार्टिकल साइज का रिडक्शन होगा. मतलब कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हाइड्रेशन मेथड, जो तुम्हारे बाकी जितने भी मेथड्स हैं, दे आर यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ लिपोसोम्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रेशन मेथड. तो वो आपके मैकेनिकल डिस्पर्जन टेक्निक्स हो गई. मैकेनिकल डिस्पर्जन का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं आपने उसको प्रेस किया है मैकेनिकली, उस पर कोई फोर्स लगाई है, और बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में आप लोगों ने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है. नेक्स्ट जो आपके मेथड्स होते हैं, उसमें जो दो मेन मेथड हैं, वो है आपके सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स.
सॉल्वेंट डिस्पर्जन टेक्निक्स में जो है जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट जो यहाँ पे एक तो आपका वाटर है वो तो एक्वस फेज है ही है. दूसरा सॉल्वेंट क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है. ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल है या ईथर है, हमारे पास दो तरीके के मेथड्स होते हैं. एक है हमारा इथेनॉल इंजेक्शन मेथड, मतलब अगर आपने सॉल्वेंट जो लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया है वो इथेनॉल है तो आप उसको बोलोगे इथेनॉल इंजेक्शन मेथड. और अगर ये सॉल्वेंट आपका ईथर है तो आप इसको क्या बोलोगे, ईथर इंजेक्शन मेथड बोलोगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट व्हाट यू कैन से योर इथेनॉल इंजेक्शन मेथड. एक बार पहले जरा ये वाली इमेज देख लेना, यहाँ से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. देखो क्या करना है, दिस वन इज द टेक्निक फॉर इथेनॉल इंजेक्शन मेथड एंड दिस इज फॉर ईथर इंजेक्शन मेथड. अंतर समझना, इथेनॉल इंजेक्शन मेथड में जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप यूज करोगे दैट इज इथेनॉल, जिसमें आप लिपिड को डिसॉल्व करेंगे. ईथर इंजेक्शन मेथड में जो आप सॉल्वेंट यूज करोगे दैट इज ईथर फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लिपिड. ठीक है, एक्वस फेज दोनों में रहेगी. ठीक है, बट द अंतर इज कि ईथर इंजेक्शन मेथड में आपको एक्वस फेज को हीट करना है एट अ वाटर बाथ एट 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक, इंजेक्शन मेथड है तो कहीं ना कहीं नीडल्स की जरूरत होगी. देखो आपका यहाँ पे जो लिपिड है वो एक सिरिंज में भरा हुआ है, इस सिरिंज से आप जो है इंजेक्ट करोगे धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप अपने मटेरियल को इंजेक्ट करोगे वाटर में. तो स्पीड ऑफ इंजेक्शन यहाँ रैपिड है, यहाँ स्लो है, एक ये अंतर है. और फिर उसके बाद इथेनॉल इंजेक्शन मेथड से स्मॉल यूनिलेमिनल वेसिकल्स बनते हैं, जबकि ईथर इंजेक्शन मेथड से कौन से बनते हैं, तुम्हारे लार्ज यूनिलेमिनल वेसिकल्स बनते हैं. ठीक है, ये इमेज से तुम्हें कुछ चीजें क्लियर हो रही होंगी. आप समझो मेथड समझना, दोनों इकट्ठे समझ में आ जाएंगे तुम लोगों को. हम लिपिड को लेंगे और उसको अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे. ठीक है, सॉल्वेंट डिपेंडिंग अपॉन कि हम इथेनॉल इंजेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं या ईथर इंजेक्शन मेथड यूज कर रहे हैं, वो इथेनॉल हो सकता है या ईथर हो सकता है. हमने अपने लिपिड को अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर लिया. डिजोल्व करने के बाद उसे एक इंजेक्शन में भरा, सिरिंज में भरा. 22 गॉज की नीडल ज्यादातर यूज की जाती है इस मेथड में. फिर अगर आप इथेनॉल इंजेक्शन मेथड से कर रहे हो तो आप मतलब इंजेक्शन में अपना इथेनॉल और लिपिड भर लीजिए. फिर एक कॉनिकल फ्लास्क में या किसी जिसमें भी आप जैसे एनुलर फ्लास्क बना रखा है जिसमें भी आप चाहें उसमें वाटर डाल लीजिए. ठीक है, और तेजी से अपने इथेनॉल लिपिड के मिक्सचर को इंजेक्ट करिए. फटाफट दबाते हुए उसको क्या करिए, इसमें एक्वस स्पेस में डिस्पर्स कर दीजिए. ठीक है, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट द स्मॉल यूनिलैमिनल वेसिकल्स. और इस टाइम पे आप इसकी स्टिरिंग करते रहे बाय यूजिंग मैग्नेटिक स्टिरर. ईथर इंजेक्शन मेथड में क्या है, वही सारे स्टेप्स हैं लेकिन ईथर को इवेपोरेट करवाने के लिए जो टेम्परेचर हमने 60 डिग्री रखा है और जो रेट ऑफ इंजेक्शन है वो स्लो हो जाएगा, धीरे 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 करेंगे. ठीक है ना, एकदम से धार के साथ नहीं इंजेक्ट कर देना है. धीरे धीरे आप क्या करोगे, इंजेक्ट करोगे अपने लिपिड सोल्यूशन को विच इज प्रिपेयर्ड इन ईथर. और फिर आपको कैसे वेसिकल्स मिल जाएंगे, लार्ज यूनिलेमिनर वेसिकल्स मिलेंगे. अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि अगर आप इन मेथड्स में जा रहे हो तो ड्रग को कहाँ डालोगे, किस स्टेप में ड्रग ऐड करोगे. तो आंसर क्या होगा फिर से, कि अगर मेरी ड्रग लिपिड सॉल्युबल है मीन्स इफ द ड्रग इज लिपोफिलिक तो इस स्टेप में ही डल जाएगी. और अगर मेरी ड्रग जो है मतलब वो लिपिड के साथ ही ऐड कर दी जाएगी. और अगर मेरी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो वो कहाँ रहेगी, यहाँ रहेगी. ठीक है, ये अब बार बार वही मैं बताऊंगी ये चीज. लिपिड वाली ड्रग है, लिपोफिलिक ड्रग है, तो जहां पे तुम अपने लिपिड्स को रेडी कर रहे हो वहीं उसको भी उसमें मतलब ऐड ऑन कर दो. और अगर तुम्हारी ड्रग हाइड्रोफिलिक है तो उसको कहाँ ऐड ऑन कर दो, जहां तुमने पहली बार पानी लिया है, जहां पे पहली बार फर्स्ट स्टेप में एक्वस फेज आ रहा है वहीं पे अपनी ड्रग को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. तो दिस इज योर ईथर इंजेक्शन मेथड. उसके बाद ये डी मल्सिफिकेशन और ये मेथड्स को इतने ज्यादा खास नहीं है, एक बार आप देख लेना.
एक ये आपका होता है रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड. रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड देखो अब कुछ उल्टा हुआ. क्या उल्टा हुआ जरा यहाँ देखना. लिपिड्स को हमने वाटर में डाला जबकि ये हो नहीं सकता था, लेकिन लिपिड्स को हमने किसके साथ डाला, वाटर में डाला और अलग से एक एक्वस सॉल्यूशन लिया. इन दोनों को मिक्स किया, मिक्स करके सोनिकेट किया तो हमें एक चीज मिली दैट इज इमल्शन, दैट इज वाटर एंड ऑयल इमल्शन मिलेगा. इसको ड्राई करेंगे बाय यूजिंग रोटा इवेपोरेटर. इसको जब ड्राई करोगे तो ये हल्का सा जेल जैसा बन जाएगा. जेल बनने के बाद आप इसको क्या करोगे, वॉर्टेक्स शेकर में इसको शेक करोगे तो आपको एक व्हाट यू कैन से यू विल गेट लार्ज यूनिलेमुलर वेसिकल्स. समझ में आया? तो क्योंकि यहाँ पे कुछ हमने लिपिड्स को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल के वाटर में डाला था, इस वजह से इसको हमने क्या बोला है, रिवर्स फेज इवेपोरेशन बोला. तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर योर रिवर्स फेज इवेपोरेशन मेथड. और यहाँ पे जिस चीज की मदद से ड्राई करेंगे दैट इज योर वाटर रोटा इवेपोरेटर. ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट मेथड इज डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन टेक्निक. डिटर्जेंट सोलबलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है, while preparing your liposomes along with lipids and water you are supposed to add certain detergents. ठीक है ना, detergents are surfactant in nature, yes or no? और surfactants आपको मालूम है कि they have the ability to form micelles. critical micellar concentration पे वो क्या बनाते हैं, micelles बनाते हैं. तो बेसिकली होता क्या है कि हम इस मेथड में अपने जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, जो लिपिड्स हैं उनके साथ हम कुछ डिटर्जेंट भी ऐड कर देंगे. ठीक है, अब इस डिटर्जेंट को या सर्फेक्टेंट को इतना ऐड करेंगे कि ये मीसल्स बना दें एट द कंसंट्रेशन अबव क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन, वो क्या बना देंगे, मीसल्स बना देंगे. आपको याद होगा जिन स्टूडेंट्स को मैंने ही सर्फेक्टेंट्स पढ़ाए हैं कि जब हम सर्फेक्टेंट्स डालते हैं किसी भी बीकर वगैरह में, अगर फिगर याद हो तो वो पहले मोनोलेयर बनाते चले जाते हैं और मोनोलेयर जब कंप्लीट हो जाती है तो सारे के सारे जो आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं वो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के इनर लेयर्स में चले जाएंगे. क्या बना देते हैं, मीसल बनाते हैं. और मीसल बनाने के टाइम पे क्योंकि इनके साथ लिपिड्स भी थे तो वो लिपिड्स को भी वेसिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पे लेकिन अब क्या होगा, देखो ऐसी सिचुएशन आई, लेकिन अब देखो इन सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स की वजह से एक स्फेरिकल ज्योमेट्री आ गई. अब हमने क्या किया कि हमने इस ज्योमेट्री को पाने के बाद, वेंस वी हैव अटेंड दिस ज्योमेट्री, हमने इन मीसल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया. मीसल्स नहीं, इन सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को हटा दिया. पहले हमने डाला इसलिए था, वी हैव एडेड इट कि एक स्फेरिकल ज्योमेट्री मिल जाए. इसकी वजह से लिपिड की एक स्फेरिकल ज्योमेट्री मिल जाए. जब हमें ये ज्योमेट्री मिल गई उसके बाद हमने इन मॉलिक्यूल्स को वहां से हटा दिया. हटाने के बाद हमें क्या मिल गए, लिपोसोम्स मिल गए. दिस इज डिटर्जेंट रिमूवल मेथड. डिटर्जेंट ऐड क्यों किया, ताकि लिपोसोम्स बन जाएं, और बनने के बाद हमने वहां से क्या कर दिया, डिटर्जेंट्स को रिमूव कर दिया. और डिटर्जेंट्स को ऐड करने का फायदा ये था कि हमें मालूम है कि डिटर्जेंट जो होते हैं अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन हैव द एबिलिटी टू फॉर्म द मीसल्स. तो हमने इस कैपेबिलिटी को यूज किया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेसिकल्स. ओके, सो दीज आर द सर्टेन मेथड्स दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर लिपोसोम्स. ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन. तो ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि फिर जब ये कैरेक्टराइजेशंस होंगे तो जो आपके ये जैसे ये जो फिजिकल कैरेक्टराइजेशन है ना बेटा, दीज कैरेक्टराइजेशंस आर कॉमन फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नोवल फॉर्मुलेशन. ठीक है, तो इससे आपके जो अगली यूनिट्स के भी जितने नोवल फॉर्मुलेशन है सबके कैरेक्टराइजेशन कम्प्लीट हो जाएंगे. तो ये मैं आपको नेक्स्ट जब भी क्लास होगी मैं आपको पढ़ा दूंगी. बाय द टाइम प्लीज प्रिपेयर notes for the method of preparation and try to go for flow charts. Flow chart wise, figure wise, ये method of preparation को बनाने की कोशिश करिए और notes को send कर दीजिएगा. ठीक है, and जब भी हमारी next class होगी तो next class में I will go with your characterization. ठीक,